वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है साल का लास्ट डे, मतलब आज है 31 दिसंबर। और मैं आज आप लोगों के साथ एक ब्लॉग भी शेयर की हुई थी, लेकिन ये जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये पता नहीं कब जाएगा, वो तो नहीं बता पाऊँगी। लेकिन ये ब्लॉग मैं बनाई थी 31 को। और सोनी और मैं और मेरे पापा हम लोग जा रहे हैं बाली यात्रा वाले मैदान में, जहाँ पर हम लोग गए थे मेला देखने, वहीं पर। अब इसका रीज़न भी बता देती हूँ क्यों जा रहे हैं अभी फिर से मैं, क्योंकि सोनी की ने बहुत ज़िद हो रही थी। मतलब जब से बाली यात्रा वो घूम के आई है और झूला में बैठी है, तब से वो बोल रही थी बाली यात्रा जाना है। उसको मैं समझाती हूँ कि बाली यात्रा ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं है, लेकिन उसको उसकी मन नहीं मान रहा था। उसकी तसल्ली के लिए हम लोग अभी ना उसी वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर बड़ा सा मेला लगा था, आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग में। तो वो मैदान में आज आप लोगों को भी दिखा दूंगी और सोनी की जिद जो है वो पूरा हो जाएगी, उसको तसल्ली हो जाएगी कि बाली यात्रा जो है वो ख़त्म हो चुका है, फिर अगले साल आएगा। तो अगले साल क्या, अगले साल तो शुरू ही हो चुका है, इस साल फिर से आ जाएगा लास्ट में, नवम्बर दिसंबर में आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर और चलो चलते हैं वहाँ पर। अभी कैसा लग रहा है उसका व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और नदी भी आप लोगों को दिख जाएगी। नदी के किनारे पे हो रहा था ना, तो वो व्यू भी आप लोगों को दिख जाएगा। तो चलो चलते हैं बाली यात्रा वाले मैदान में। देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पर आके पहुँच गए हैं। देखिए मेन गेट, बाली यात्रा का मेन गेट जो मतलब लाइट से सजाया गया था लीची लाइट से। तो अभी देखिए ये सीमेंट का ना परमानेंट ये बना हुआ है गेट, इसको ना जब मेला होता है तब ये सजाया जाता है। आप लोगों को दिखा होगा अंधेरे के मतलब नाइट वाली व्यू में कि लाइट से कैसे सजाया गया था ये। और ये है बोट, बाली यात्रा का मेन चीज़ है, इस बोट से सब कुछ जुड़ा है। और यहाँ पर देखिए मैदान में देखिए बच्चे लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे, यहाँ पर मेला लगा था, बहुत सारे मतलब खरीदारी, झूला वगैरह सब कुछ यहीं पर ही लगा हुआ था। देखिए अभी कितना बड़ा मेला मैदान मतलब दिख रहा है, और पूरा मैदान आप लोग देख लीजिए कैसे दिख रहा है। हम लोग गाड़ी उस तरफ पार्किंग किए थे, कहाँ से निकले थे। और नदी दिखी अभी साफ साफ दिख रही है, दूर से देखोगे तो दिखेगा, देखिए नदी भी दिख रही है दूर से, देखिए नदी पूरा पास में है। मेरे पापा बोले थे हम लोग जब छोटे थे ना नदी पूरा यहाँ तक था, अभी पीछे चला हट गया है, तब से मतलब यहाँ पर मतलब मेला लगना शुरू हो गया है, नहीं तो नदी यहाँ तक था, अभी पीछे हो गया है। अब हम लोग ना वही नदी के किनारे तक देखिए जा रहे हैं अभी, और चलो आप लोगों को नदी का व्यू भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक वगैरह बना रहे थे, मतलब आज नया मतलब 2023 ख़त्म हो रहा है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग गेट टुगेदर पार्टी कर रहे थे, और बहुत सारे फैमिलीज भी यहाँ पर थे, लड़कियाँ थे जो कि मतलब आज नया साल को जो हुए 2023 को विदाई दे रहे थे खुशी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, गाना बना बजा के, डीजे वगैरह बजा के नाच भी रहे थे, डांस कर रहे थे, और कुछ मतलब ऐसे भी लोग थे पार्टी सार्टी कर रहे थे अपना। और चलो देखिए कितने सारे लोग हैं, इतने लोग नहीं होते लेकिन आज बहुत लोग थे। और नदी का व्यू भी देखिए कैसा लग रहा है, और बोटिंग भी हो रहा था, बोटिंग का यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर मैं नहीं गई, सोनी जिद करेगी क्या करेगी, और कभी आऊँगी। बोटिंग वाला जो बना हुआ है ना, वहाँ का एरिया बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, मैं कभी नहीं गई लेकिन मेरी छोटी बहन बोल रही थी वहाँ पर जाना था तुमको, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, पापा बोल रहे थे लेकिन अंधेरा हो रहा था ना, मैं बोली नहीं जाना है घर पे, और फिर कभी आएंगे, फिर क्या कभी आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी वो वाला जहाँ पर बोटिंग वगैरह होता है। और यहाँ पर देखिए सब लोग ना पार्टी कर रहे थे मतलब आज। नदी रे
बोट चालू थी। देख दे बोट के चल छ देख बोट देख 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 ए बुल्ला 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 देख देख लोक के डर जों बुल्ला ल ले वो पहले बुल्ली हो जोर पर देखो जो सापणी किड़ी जोर चल छ बहुत स्पीड देख बहुत स्पीड डर माड़ बा बस गोटे बोट आसला तो गाइस आप लोगों ने देखा कितने सारे लोग मतलब बोटिंग कर रहे थे घूम रहे थे बोट में। ये ना मतलब ये होता है मतलब ये लगा हुआ है ना वो क्या मतलब मोटर लगा हुआ है उससे वो मतलब चलता है। बहुत स्पीड चल रहा था बहुत काफ़ी सारे लड़कियां बैठे थे ना बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे साउंड आ रहा था। और यहाँ पर देखिए और एक बोट आ गया दूर आप लोगों ने देखा एक हाउस बना हुआ है ना वहीं पर से बोटिंग शुरू होता है वहाँ से आते हैं एक जन के 200 लेते हैं ऐसे मुझे पता है। वहाँ पर मैं गई नहीं लेकिन मैं फोन पे देखी थी मतलब यूट्यूब पर एक जन के लिए 200 लगता है इसमें बोटिंग करने के लिए। देखिए कितने सारे लोग मतलब घूमने आए हैं और यहाँ पर देखिए सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। आज ऐसे भी मतलब 2023 ख़त्म हो रहा था और पापा बोल रहे थे चलो उधर घूम के आएंगे लेकिन सोनी को ना चिल्ड्रेंस पार्क में जाना था तो इसलिए हम लोग मैंने मना किया और कभी फिर कभी आएंगे। और सोनी जाएगी तो अगर जिद करेगी बोट में बैठने के लिए ऐसे भी मुझे भी डर लगता है मैं तो कभी नहीं बैठूँगी। और यहाँ पर देखिए सारे लोग घूम रहे हैं देखिए बहुत शोर से साउंड करके चिल्ला के मतलब एंजॉय भी कर रहे थे। এটা ভিলেজ ভিউ হইতলা এটা ভিলেজ ভিউ করছিল সেতবেলে तो गाइस अभी देखिए हम लोग यहाँ पर घूम मतलब राउंड लगा के आ गए। और यहाँ पर आप लोग देख के पता कर मतलब याद कर सकते हो जो जो लोग देखे हो वाली जत्ता वाली ब्लॉग तो ये एरिया जो है इस एरिया को विलेज व्यू बनाया गया था। बहुत सारे पेड़ है ना इसलिए विलेज व्यू यहाँ पर ही बनाया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब पार्टी कर रहे थे देखिए गाना वाना बज रहा था अंदर एक फैमिली तो पूरा मतलब डांस वगैरह भी कर रहे थे ऐसे मतलब दिखाई दिया बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और देखिए कैमरा ना फोकस नहीं कर रहा था मैं जितने ट्राई कर रही थी कैमरा फोकस क्यों नहीं क्योंकि इतनी जोर से हिल गया था कि मतलब ये ना जो नीचे वाला पर्स है ना उस टाइम तो पूरा ग्रीन कलर का मतलब ये कारपेट डाला गया था आप लोग देखा होगा। अभी तो पूरा खुला है ना इसलिए उबड़ खाबड़ है ना तो इसलिए गाड़ी ना जंप कर रहा था इसलिए मेरा कैमरा भी हिल गया था। और ये पार्क भी देख के याद कर सकते यहाँ पर कुछ देर हम बच्चों को बच्चे खेले भी थे उस दिन मैंने क्लिप नहीं ली थी क्योंकि मेरी फ़ोन की जो चार्ज है ना ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर देखिए सोनी आके बहुत खुश हो गई देखिए खुद ही उतर गई है मतलब बच्चों को ना पार्क ही बहुत ही पसंद आती है तो सोनी यहाँ पर कुछ टाइम एंजॉय करेगी। सोनी के लिए ही आए हुए थे तो सोनी यहाँ पर कुछ टाइम एंजॉय करेगी फिर हम लोग घर में जाएंगे तो चलो सोनी क्या करके देखते। और आप लोग देख सकते हो उस तरफ है नदी का किनार मतलब वहाँ से हम घूमकर ऐसे आए यहाँ पर जो मेन गेट ना उसको ओपन नहीं किया है पता नहीं क्यों नहीं ओपन किया तो इस तरफ से घूम के फिर हम लोगों को आना पड़ा। और सोनू आते ही देखिए चक्री में बैठ गई है Whoa!
सोनी झूला झूल रही है और उसके नाना उसको झूला झूल रहे हैं और यहाँ झूला रहे हैं और मैं यहाँ पर आ गई। देखिए बोटिंग दिखाने के लिए इधर ही पास में है, हम लोग इधर ही खड़े होकर देख रही थी, मैं हम देख रहे थे हम लोग और यहाँ पर हम पार्क में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी बोटिंग चालू है, बहुत सारे लोग मतलब बोटिंग कर रहे थे, बोटिंग का मज़ा ले रहे थे और कुछ लोग तो देखिए पिकनिक भी ख़त्म हो गया अपना, सारे जो मतलब सामान है ना देखिए मतलब रख रहे हैं, लोड कर रहे हैं बाइक में जो फ्रेंड लोग हैं और जा रहे हैं। तो हो गया दोपहर में शायद कर रहे थे पिकनिक और बहुत सारे लोग तो हम आने तक भी एंजॉय कर रहे थे खा पी कर, और बहुत सारे मतलब जो खाना बन रहा था ना उसकी खुशबू बहुत आ रहा था वहाँ पर, बिरयानी वगैरह जो भी बना रहे थे ना उसकी महक ना ये पूरा पार्क में भी आ रहा था। और यहाँ पर पापा आ गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मैं बोली पापा कर लो, जब भी जाते ना पापा करते यहाँ पर बैठकर। तो यहाँ पर देखिए पापा एक्सरसाइज करने लगे हैं और हम सब लोग भी कर लेते हैं और सोनी को ले आएंगे, अभी पापा थोड़ी बहुत कर रहे हैं देखिए। धीरे धीरे एक्सरसाइज कर दो सब तेरे में जी जीवा गोड़ होला समझी हाँ होला। तो अभी देखिए सोनी भी आ गई है और बोली कि मुझे करना है एक्सरसाइज। तो सोनी यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज कर रही है और मैं भी करूँगी थोड़ी बहुत, मतलब आप लोग तो नहीं करते लेकिन ये सब देखने से मन कर जाता है। तो यहाँ पर सोनी देखिए एक्सरसाइज कर रही है और ये सब करके फिर घर भी जाना है।
ଧରିକି ଉଠାନି ଯୋଉ କେମିତି କଣ କେମିତି କରିବ କଣ ହବ କି तो यहाँ पर ना हम आ गए थे और ये वाला जो एक्सरसाइज वाला जो लगा हुआ था इसमें ना क्या करना है हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा था क्या करेंगे क्या करेंगे तो कंफ्यूजन कुछ पता नहीं। और इसमें शायद बस अपने आपको मतलब उठाना है और लेटाना है ऐसा वाला होगा शायद मतलब जो सिटअप मारते ना वही वाला शायद मैं वही समझी लेकिन यहाँ पर पकड़ने के लिए भी दिया था लेकिन इसमें क्या करना है वो हम लोगों को नहीं पता चल रहा था। तो अभी गाइस सोनी लास्ट एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पर इसमें नहीं की थी तो एक मतलब लड़की कर रही थी ना तो वो हट गई तो अभी बैठ गई है वो करने के लिए और व्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है और आते टाइम सब्जी लेके घर में आ गए थे। तो गाइस ये मेरा 2023 का लास्ट व्लॉग था। ये 2023 का लास्ट व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में 2024 वाली व्लॉग में। तो गाइस तब तक आप अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाय बाय।